कृष्णा यादव जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। स्वागत है मैम आपका। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार मैम, कर हकीम साहब से बात करवा रहे हो जी? जी जय लीजिए। हिंद। स्वागत श्री कृष्णा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैंने आपकी दवाई ली, मेरा फायदा बहुत है जी। जी, कौन सी दवा ले रही है, क्या फायदा हुआ, कब से बीमारी थी? मैंने 3 महीने हो गए लगभग, लेकिन पहली तो लिया ये काला गोंद। नमस्कार जी। जी अच्छा, उसके बाद जब तू नमक और टी के कैप्सूल और ये हल्दी वाले कैप्सूल। जी अच्छा, मेरे 2-3 सवाल हैं जी, अभी काटना मत है। ठीक है ठीक है। हाँ, मैंने ये लेने के बाद मतलब वैसे ठीक है, लेकिन बीच बीच में जकड़न आ जाती है, तो हर जैसे नसों में नहीं ये काली काली सी पड़ जाती है, और ये नहीं है एक जगह, हर जोड़ में दर्द है। ठीक। तो अभी दवाई तो मेरे पास फिलहाल है, तो कई दिन हो गए मैं ट्राई करती करती लाइन ही नहीं मिल रही थी आपकी। आज फिर मैं देखते हैं, दूसरे नंबर ये गई और आया है टीवी पे, इस पर मिला के देखा है, तो जी इस करके मेरे को बताओ। या मोटापा भी है थोड़ा सा, जैसे 5'3" हाइट है और 80 किलो वजन है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 60 वर्ष। ठीक है मैम, हाँ, ठीक बाकी काम भी कर लेती हूँ। आप 2-3 दिन से ये सर्वाइकल है, उससे फिर पेन हो रहा है, तो हो सकता है वो सर्वाइकल की वजह से ज्यादा दिक्कत आ गई हो, और ठीक है बाकी ठीक है कोई बीमारी नहीं है, सर्वाइकल तो है ठीक है ठीक। जी। हाँ देखिए, आपकी उम्र काफी उम्र है और आपकी बातचीत से मुझे लगता है कि आप काम बहुत करते हैं। पता नहीं मैं अपनी जगह सच हूँ, सच्चा हूँ या वैसी कह रहा हूँ, ऐसा मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, यानी कि आप बहुत मेहनती महिला हैं और रही होंगी, उसकी वजह से भी हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है। और सर्वाइकल कहते हैं, यहाँ गर्दन के डिस हैं उसमें नर्व दब जाती है, नसें दब जाती हैं, जिसकी वजह से या तो हमारे सर में दर्द होता है, हाथों में दर्द आता है, मोंडों में आता है, या चक्कर आते हैं, इसे सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल का दवा से भी अच्छा इलाज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, अगर चक्कर आते हैं तो आप रोज़ाना अपने बेड पे ऐसे सीधे लेट जाइए और गर्दन जो है ये नीचे लटका लीजिए बेड से नीचे, और बाकी जिस्म आपका सीधा रहे, ऐसे लेटा करिए 5-5 मिनट 5 बार। अगर चक्कर आते हैं, नहीं भी आते तब भी लेट सकते हैं। और दो एक्सरसाइज और हैं, ऐसे बैठें, ऐसे 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 पूरी तरह मोड़े ऐसे, एक तो ये और एक ये एक्सरसाइज आपको मेरे कहने से 15 दिन लगातार करना है। और 15 दिन में ये होता है कि सर्वाइकल कहाँ गया ये पता ही नहीं रहता, ढूंढता रहता है आदमी, लेकिन 15 दिन करें, और अगर 15 दिन में आपको फ़ायदा हो जाए तो इसे लगातार कर दें, या फिर ऐसा करें कभी कर लें एक दिन कभी नहीं की, ऐसे बहुत लंबे अरसे तक आपको ही करना होगा। और जोड़ों के दर्द के लिए जो आप खा रहे हैं, चाहे गौंसिया हो तो सिर्फ गौंसिया खाएं, और नमक जैतून है तो नमक जैतून के पानी से खा लें, और अब हल्दी वगैरह का कुछ ना लें, हल्दी प्लस ना लें। टी केयर खाना चाहते हैं तो टी केयर खाएं, गौंसिया ना खाएं, ये एक चीज़ खाएं, या तो टी केयर या गौंसिया। गौंसिया आधा आधा ग्राम खाया जाता है, टी केयर का कैप्सूल जो आप खाते हैं वो सुबह और शाम खाया जाता है, खाने के बाद खाया जाता है। आप इसे पानी से ले सकते हैं क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है। अगर आप पतला भी होना चाहते हैं इसी दवा से, तो एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आ जाए
वो एक गिलास पानी में डाल दें, जो सोडा आपके किचन में इस्तेमाल होता है, और एक चुटकी या दो चुटकी नमक जैतून, असली नमक जैतून डाल के इस पानी से ये खाया करें, तो आपका वज़न दो चार किलो हर महीने कम होता है, और आपकी हाइट के मुताबिक जो वज़न है वो 60 किलो तक आ जाएगा आपकी उम्र के हिसाब से और हाइट के हिसाब से, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, इन्होंने कहा कि इन्हें दर्द में तो राहत है, लेकिन 80 किलो इनका वज़न है, तो जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो उसका प्रेशर हमारे पैरों पे पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा दर्द कहीं ना कहीं उठने लगता है दोबारा से। हाँ देखिए, वज़न का मामला ऐसा है कि जैसे हाथी होता है तो उसके पैर भी हाथी के हिसाब से होते हैं, बड़े बड़े जी जी जी, और जी, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो किसी पर पैर रख दे तो कुचल जाता है। तो वज़न हमारा हाथी जैसा हो और हाथी के अगर हमारे आपके पैर अगर हाथी के लगा दिए जाए तो वो टूट ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वज़न का मामला ऐसा है कि अपनी ही बोझ को आदमी ढोता है, एक्स्ट्रा वज़न आपकी उम्र के मुताबिक वज़न होगा तो आप बहुत हल्के रहेंगे, जी, जी, जी। लोड नहीं पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी कभी कभी कम फायदा होता है। नीतू जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं बुलंदशहर से। मैम बताएं आपका प्रश्न क्या है? सर से बात करनी है। कर लीजिए। नीतू जी आप हमारी हमवतन हैं, मैं भी बुलंदशहर से, आप भी बुलंदशहर से। अच्छा सर, अरे वाह। मैं बुगरासी से, आप कहाँ से हैं? मैं हरीन क्लब, बुलंदशहर हरीन क्लब से। अच्छा, हम लोग बुगरासी से हैं। हाँ सर, बुगरासी जी। अच्छा अच्छा, वहाँ पे तो आम वगैरह बहुत होते हैं, वहाँ पे मेरे मामा का गांव है। हाँ हाँ, सियाने के पास। हाँ सर, आपकी आवाज और टीवी की आवाज थोड़ा मैच नहीं खा रही है। अच्छा सर मैं, हाँ जी आप कम कर दीजिए आवाज थोड़ी। ओके सर, एक मिनट सर, मैं आपको बहुत दिन से फोन मिलाना चाह रही हूँ और मेरा लग ही नहीं रहा था, मैंने आपकी दवाई तो मंगवाई है। हाँ तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है। अच्छा, कौन सी दवाई है? सर एक तो है नमक जैतून और एक है एम केयर। सर मुझे ना मतलब 1.5 साल हो गया, उससे पहले 2020 में तो मम्मी खत्म हुई थी और 2021 में पापा खत्म हो गए, और उसके बाद मेरा पेट तो 10-12 सालों से खराब रहता था, लेकिन 1.5 साल से बहुत ज्यादा खराब होने लगा कि एकदम से बहुत पेट में जलन और दर्द और मतलब बार बार लैट्रिन जाना, और उसके बाद मेरा वजन भी कम हो गया था और डॉक्टर ने बताया फिर कि वो है, क्या बोलते हैं उसको, अल्सर। नहीं नहीं वो तो सर सब नॉर्मल आती है, मैंने बहुत जगह दवाइयाँ कराई हैं एलोपैथिक में, तो होम्योपैथिक भी, होम्योपैथिक नहीं आयुर्वेदिक भी खाई है, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं लग रहा मेरे को। थायराइड बताया क्या? हाँ जी, थायराइड तो नहीं बताया आपको? नहीं 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 कुछ नहीं है सर, कोई वो नहीं है मुझे बीमारी, और बहुत सारे मेरे टेस्ट हो गए हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह किसी में कुछ नहीं आता, सिर्फ मुझे पहले कॉन्स्टिपेशन रहता था 10-12 सालों से जी, तो लेकिन जब से वो मम्मी पापा खत्म हुए तो हाँ ये तो मुझे हुआ कि मैं सोचने ज्यादा लगी और मुझे एंजाइटी हो गई। ठीक। तो सर अब मैं क्या करूं, मेरी एंजाइटी खत्म नहीं हो रही है, जबकि मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, वैसे मुझे किसी बात की भगवान की दुआ से दिक्कत है नहीं। नींद आती है? हाँ नींद आती है सर, ठीक से आती है, बीच बीच में भूख लगनी कम हो जाती है और सर मेरा बहुत भारी रहता है और चक्कर आते हैं। नीतू जी उम्र कितनी है आपकी? 45 मैम जी। सर हाँ देखिए, वालिदैन का, माता पिता का देहांत हो जाना औलाद के लिए बड़ा सदमा होता है, और नीतू जी आपकी तरह भावुक अगर हों तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ पहुंचती है, भावुक लोगों को बहुत तकलीफ में ही पाया गया, और ये सब्र करना बड़ा ज़रूरी है।
और अगर कोई सब्र ना करे तो फिर उसको तकलीफ होती है। तो अपने आप को एक तो कहीं मशगूल करिए, मसरूफ करिए, बिजी रहा करिए। और ये देखिए, ये दवा आपके पास पहुंच चुकी है, नमक जैतून, और ये एक या दो चुटकी पानी में मिलाइए। और सौंफ, धनिया, अलसी, सौंफ, धनिया और अलसी, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रखें। सौंफ, धनिया और अलसी का तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रखें, और इसका आधा या एक चम्मच खाना है, टीस्पून, सुबह खाली पेट और रात को सोते समय। और नमक जैतून की एक चुटकी या दो चुटकी पानी में मिलाएं और इस पानी से खाना है। आपकी ये सारी समस्याएं में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। आप बताइए, आप कैसी हैं? हम ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। जी आप कैसे हैं? सुभान अल्लाह, बहुत दिनों बाद बोले आप। जी बताइए। हमें ये जानना था, हमारी सिस्टर्स के साइनस तो है, ये तो नफा नुस्खा भी ले रही है, कब्ज है, तो आपका नमक जैतून सोडा 7 महीने हो रहे हैं लेते हुए, डिप्रेशन, कब्ज वगैरह था, तो वो भी ले रही है। फिर आपसे 2 महीने पहले जब बात हुई थी तो आपने उनके खुजली बहुत हो गई थी, बताया था आपको याद होगा, तो आपने काली मिर्च बताया था उसी के साथ लेने के लिए, सर ये नमक जैतून सोडा, अलसी, धनिया और सौंफ ले रही है उसके साथ, तो आपने उसके साथ ये काली मिर्च भी बताया था, 2 महीने से वो भी ले रही है, लेकिन उनकी खुजली में फर्क नहीं कुछ हो रहा है, और खुजलाने के बाद जो है उनके जलन बहुत होती है, मतलब जैसे तलवों में या हाथों में खुजला लेती है, उसके बाद कभी गर्मी बहुत निकलती है उसमें से, तो इसकी क्या वजह है कि क्या किसी डॉक्टर को अंग्रेजी दिखाया जाए कि ये नुस्खे से ही ठीक होगी? ठीक है। हाँ देखिए, जो साइनस या उसकी कोई दवा है तो वो कुछ कभी कभी किसी को नुकसान देने लगती हैं, तो एंटी एलर्जिक दवाएं आती हैं, बड़ी सस्ती आती हैं, जैसे एविल है और सिट्राजीन है, कोई जब ज़्यादा खुजली हो तो एक गोली ले लें तो वो 2-4 दिन आप ठीक रहेंगे, और ये नुस्खा लेते रहें, और भी डॉक्टर की कोई दवा लेना चाहें, डॉक्टर से मशवरा लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये नुस्खा छोड़े नहीं, क्योंकि ये 6-7 महीने लगातार देना है और कभी भी इनकी खुजली समाप्त हो सकती है। थोड़ा सब्र करें और नुस्खा देते रहें, इंशाल्लाह फ़ायदे की उम्मीद रख सकते हैं। जी।